लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका नाम? नाम? रवि। रवि क्या? जी, रवि वर्मा। एजुकेशन? समझिए, बीए पास हूँ। ये समझिए बीए पास का मतलब क्या होता है? जी, मेरा मतलब है कि बीए पास हूँ। आपकी हाइट? 5'9-10" ये 9-10 क्या होता है? 5'10" बस, ये तो खराबी है तुम्हें, नर्वस हो जाते हो। जब यहाँ ही हाल है तो सचमुच के इंटरव्यू में क्या होता होगा? तुमने एक सवाल का जवाब भी कॉन्फिडेंस से नहीं दिया, ये तुम हर बड़ा क्यों जाते हो? यू आर राइट वीरा, मैं नर्वस हो जाता हूँ, घबराहट में उल्टा सीधा कह देता हूँ और लोग समझते मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है। लेकिन नेवर माइंड, आज के इंटरव्यू के लिए मैं ऐसी रिहर्सल करके जाऊंगा कि छुट्टी कर दूंगा सबकी। जाते साथ ही मैं इंटरव्यू लेने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखूंगा और कहूंगा। क्या कहोगे? जी, मेरा नाम रवि वर्मा है। एजुकेशन कहाँ तक है आपकी? जी, मैं बीए पास हूँ और मेरी हाइट 5'10" है। मैंने आपसे आपकी हाइट तो नहीं पूछी। ओ सॉरी सर। आपके पास आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स हो तो नौकरी देने से पहले उसे। यही हुआ सर। गुड, वेरी गुड। स्पोर्ट्स, डिबेट, एजुकेशन के साथ साथ ये सब चीजें भी। हमें इस जॉब के लिए आप जैसे स्मार्ट लड़के की जरूरत थी। तो सर, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये नौकरी मुझे? एक्सक्यूज मी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मैं दिव्य से बात कर रहा हूँ सर। जी हाँ जी, आपने कहा था जी, मैं उनसे मिल चुका हूँ जी। वो आपके छोटे पापा के बर्थडे पर मुझे भी बुलाया था ना सर आपने, मैं वहीं मिला था उनसे जी। जी हाँ, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जनरल मैनेजर साहब का फोन था, खुद बात कर रहे थे सर। वो नौकरी? नौकरी? हाँ, वो मिस्टर अवे, नौकरी तो किसी और को दे दी गई। दे दी गई है? लेकिन सर, अभी अभी तो आपने। हाँ हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अभी अभी तो बात हुई जनरल मैनेजर साहब से। वो उनकी वाइफ का ब्रदर है ना, यूसे डिजर्विंग भी है। यूसे? यस सर, आई कैन सी। देखिए मिस्टर रवि, आप बुरा मत मानिए। नहीं सर, मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ, बुराई तो खुद मुझ में है। मेरी फाइल में डिग्री है, सर्टिफिकेट्स हैं, सिफारिश का एक भी खत नहीं। थैंक यू सर। नेक्स्ट। थैंक यू। सुनो, तुम भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो? जी हाँ। इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? जी नहीं। फिर तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें यहाँ नौकरी मिले। यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर, जाओ अपने घर जाओ। ओ कम ऑन रवि, ये दुनिया की आखिरी नौकरी नहीं थी। दुनिया की आखिरी नौकरी भी मुझे नहीं मिलेगी। देखो वीरा, कॉलेज तक ठीक था, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही प्रोफेसर का लेक्चर सुनते थे, एक ही कैंटीन में चाय पीते थे। लेकिन ये दुनिया हमारा कॉलेज नहीं है, एक अलमारी है जिसके अलग अलग खाने हैं। और तुम? और मैं डीसीपी मिस्टर नागर की बेटी, बहुत ऊपर के खाने में हूँ, और तुम रवि वर्मा बहुत नीचे के खाने में हो, ये कहना चाहते हो ना? हाँ। और तुम मेरे साथ अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें, क्या पाओगी तुम? किधर जाता है? माल निकाल। मुंह क्या देख रहा है, पैसे फेंक। ए पिए ले क्या? एक कुली में इतना दम कि मेरे आदमी को मार दे। आज साला एक आदमी ने हफ्ता देने से इनकार किया, कल दो करेगा, परसों चार करेगा। हमारा रुबाब और इज्जत सब खलास। तुम सब जाओ और उसको पकड़ के इधर लाओ और मार मार कर साला की नली तोड़ दो। जाओ। विजय को देखा है? हमें नहीं मालूम भैया, हम नहीं जानते। कहाँ है वो? मालूम नहीं किधर है।
भी तुम यहाँ हो? क्या हो रहा है चाचा? टीचर के सारे आदमी तुम्हारे जान के पीछे बाहर सड़क पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ सड़क पे। अरे क्या गजब कर रहे हो बेटा, तुम इधर पीछे गली से चले। हाँ इधर चाचा। सड़क क्या पीटर के बाप की है रहीम चाचा? नहीं मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। देख तू मुझे रहीम चाचा कहता है ना बेटा, इधर से चला जा, इधर से चला जा। हाँ ठीक है। दादा सब तरफ देखा साला मिला ही नहीं। मेरा तो आइडिया है वो भाग गया है, अब नहीं आने वाला। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? आज नहीं कल तो हाथ आएगा अपने, उसे जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर ठहरो। अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चलाया, हम तुम्हें ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये बात है। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले। Thank you.
पूछती हूँ तुझे उस झगड़े में पड़ने की जरूरत ही क्या थी? और भी तो लोग वहां काम करते हैं, बस तू ही एक बचा था उनकी फौजदारी के लिए। तूने ये भी नहीं सोचा भगवान न करे कुछ हो गया तो मुझ पर क्या बीतेगी? अरे वो तो गुंडे मवाली है, छुरा चाकू चलाने में उन्हें देर लगती है क्या? माँ जो होना था सो हो गया। तू चुप हो जा, मुझे अकल सिखा रहा है। चार किताब पढ़कर बहुत अकल आ गई हो ना, तो थोड़ी सी अपने भाई को दे दे जो मुझे चैन से मरने भी नहीं देता। जब तुझे मालूम था कि वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं तो उनके सामने जाने की जरूरत क्या थी? चुपचाप वहां से निकल नहीं सकता था? तुम चाहती हो मैं भी मुंह छुपा के भाग जाता? ये कहना क्या चाहता है? उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए किया, हम सब के लिए, ताकि हम जिंदा रह सके, जी सके। जो साहब 11 बज गए, वो लड़का अभी तक नहीं आया। थाला क्या खा ले? चालस दे दें। जी हाँ इसे रख लीजिए। देखो भैया हमने सेल्समैन तो रख लिया था, पर मन ने ऐसा लगे थाने भाग्य में थी नौकरी। तो सेठ जी क्या मैं समझूं कि ये नौकरी मुझे मिल गई? मन ने कहा अंग्रेजी तो बोल लो बराबर। जी हाँ बोल लेता हूँ। बस तो भगवान का नाम लेके आज से काम चालू कर दो। मैनेजर साहब इन्हें काम समझा दो। ये बहुत अच्छी। सेठ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। माफ कीजिए मैं थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं भैया बहुत लेट हो गया। हम तो समझे तुम आओगे नहीं आज, इसलिए हमने इनको नौकरी दे दी। क्यों मैनेजर साहब? हाँ सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। दरअसल आज बस की टिकट के पैसे भी नहीं थे जेब में, पैदल आने में जरा सा लेट हो गया। वो तो ठीक है मगर हमने तो इसको रख लिया। लेकिन सेठ जी आपने ये बताया नहीं कि तनख्वाह कितनी होगी। 350 दे भैया। सिर्फ 350? सेठ जी 350 रुपए की नौकरी करनी होती तो कब की कर लेता। थारा क्या मतलब 3500 दे दे? नहीं फिर भी मतलब ये तो नहीं कहे। खैर जाने दीजिए सेठ जी, मुझे आपकी 350 रुपए की नौकरी नहीं चाहिए। मैनेजर साहब जी इसको नौकरी दे दो। भाई साहब सुनिए मैं। मुबारक हो भाई साहब। मैं क्या कहूँ आपसे, आप क्या करें, ये दुनिया एक थर्ड क्लास का डिब्बा बन गई है। जगह बहुत कम है, मुसाफिर ज्यादा। मैं बैठ जाता तुम खड़े रहते। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रवि तू अब तक सोया नहीं बेटा? नहीं मां तुम सोया। ये क्या लिख रहा है? जहां नौकरियां खाली हैं ना उन दफ्तरों में अर्जियां भेज रहा हूं। रात बहुत हो गई है अब सो जा, देख सुबह होने वाली है। सुबह भी कहां होने वाली है मां? सुबह तो उस दिन होगी जब हर किसी के पास काम होगा, घर होगा, कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा। और वो सुबह क्यों ब्लैक पे नहीं देखेगा? जब मजदूरों को उनका और जब वो सुबह होगी ना उनकी मेहनत का ठीक सिला मिलेगा। बस यही नुकसान है अखबार पढ़ने का। अच्छा खासा इंसान भाषण देने लगता है। अच्छा जब सो जाओ। सफर भी एक मुसीबत हो गया है। भाई साहब आप कहां जाएंगे? मैं पूछ रहा हूं भाई साहब आप कहां तक जाएंगे? कहीं नहीं।